नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक और मैं गुलशन कुमार आपके साथ हूं। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में आज आखिरी दिन चुनाव का प्रचार का दिन रह गया है और दो दिन बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हैं। हम बात करेंगे जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाजी से, जो लगातार आप चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों से आपसे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग बहुत जोश में हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। जो गलत नीतियां सरकार की थी और विधायक से, तो बहुत ही असंतुष्ट हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप में जिस विधायक को मंत्री पद छोड़ना पड़ा हो, उससे लोग बहुत नाखुश हैं और इस भ्रष्टाचार रूपी आरोप को एक कलंक मानते हैं भिवानी जनता के ऊपर। सर, कल सीएम साहब भी भिवानी आए थे, कितना फर्क मानते हैं आप उसी से? बड़ी फ्लॉप सी उनकी मीटिंग थी, लोग गए नहीं थे। मुझे पता लगा 200-200, 300-300 रुपए दे के महिलाओं ने इकट्ठी करके दी, फिर वहाँ पे झगड़ा भी हुआ, वो पैसे टाइम पे नहीं दिए गए। आई डोंट थिंक लोग आए नहीं वहाँ पे उनको सुनने के लिए। सर, भिवानी विधानसभा में ब्राह्मण वोट का बहुत बड़ा वर्चस्व है, ऐसे में डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने भी कल ज्वाइन किया है भाजपा को, लगता है आपको कुछ फर्क पड़ेगा इससे? मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ा है। उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे समाज में गर्दन नीचे होती है। हम गर्व से कहते हैं कि हम समाज के हैं, लेकिन बात तो एक जाति पाति से नहीं चलती। सारा समाज साथ होगा तब बात चलेगी। इस प्रकार के काम उन्होंने प्रलोभन में आके जो किए हैं, सबकी जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है, जनता को सब मालूम है। सर, बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया है, आप अपनी पार्टी के लिए कितनी सीटें मानते हैं हरियाणा में? मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बननी चाहिए। बहुमत आएगा सर आपका? हाँ, हमारा बहुमत आएगा। शुक्रिया। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाजी ने बताया कि कैसे चुनाव के अंदर जो चेंज हो रहा है माहौल, उसके बारे में। गुलशन कुमार, अभी तक भिवानी, धन्यवाद।